राजधानी जयपुर से हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में हत्यारा जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। 25 दिसंबर क्रिसमस की रात को कहासुनी हुई और 26 दिसंबर की सुबह मध्य प्रदेश की रहने वाली युवती उमा सुधार की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर अब राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सियासत गर्माती जा रही है। देखें किसका क्या कहना है विस्तृत रिपोर्ट में। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, नीतिगत सिद्धांतों के अनुसार आपको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। अपराध और अपराधी लगातार 5 साल तक बेकाबू रहे। भारतीय जनता पार्टी अपना हनीमून पीरियड छोड़कर कानूनी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। देखिए ये बात सही है कि कहां कौन सी घटना घटित हो जाए, घटना घटित होने के बाद अपराधी सिंकचों के पीछे जाए, सवाल इस बात का है। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, नीतिगत सिद्धांतों के अनुसार आपको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना हनीमून पीरियड छोड़कर कानूनी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। आप कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े डायलॉग मारकर सत्ता में आ गए। महिलाओं को कुचल कर मारा जा रहा है, एक महिला को 1.5 मिनट तक अपराधी घसीटते रहे और उसके गले से चैन तोड़कर ले गए, अभी तक वो पकड़ में नहीं आए। आप खुलेआम लूट डकैती गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, कहां बीजेपी की सरकार? आप मुझे तो ये बताइए, इतना लंबा हनीमून तो मैंने किसी सरकार का नहीं देखा। हम हार गए, हमारी सरकार नहीं रही, आप बीजेपी की सरकार आ गई, पेपर लीक हो गया बीजेपी की सरकार आते ही। आप है कहां बीजेपी, नजर ही नहीं आ रही बीजेपी, सिर्फ बातें ही बातें। अब वो पेट्रोल डीजल कब सस्ता करोगे बीजेपी के लोगों को बताओ, लोग इंतजार ही कर रहे हैं। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हो गए, इतना सस्ता क्रूड ऑयल होने के बाद भी यहाँ राजस्थान में गारंटी दी थी कि 12-13 रुपए कम कर देंगे, तो अभी तक तो 12 पैसे कम नहीं हुए, तुरंत कम कीजिए। एक महीना होने को आया आपकी सरकार को। अब बीजेपी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, मैं मान गया आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को, हिंदुओं को डराकर, मेजोरिटी ऑफ वोट्स को डराकर आपने कहा मुसलमान आ जाएंगे, मस्जिद बन जाएगी, मजार बन जाएगी, कुछ नहीं होने वाला था, ना कभी होता है। आप डराकर वोट लेते हैं, आप काम करके वोट नहीं लेते। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी आगे आकर कुछ करके दिखाए। जनता बहुत परेशान है, असुरक्षित महसूस करती है, गुंडों का बोलबाला है, रेप करने वालों का बोलबाला है और बीजेपी की सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। अपराध और अपराधी लगातार 5 साल तक बेकाबू रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने सहयोगियों के टेलीफोन टेप करने में मशगूल रहे और इस प्रकार के फील्ड में ऑफिसर बैठाए जो खुद शराब तस्करी जैसे अपराध में लिप्त रहे। अब नए मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, उन्होंने कुछ टास्क फोर्स भी बनाई है और एक नेक इरादे से, दृढ़ इरादे से इन अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करने और कुचलने के लिए कटिबद्धता के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और आपको इसके परिणाम आने वाले कुछ ही दिनों में सामने दिखाई देने लगेंगे जब राजस्थान भयमुक्त हो जाएगा। राठौर साहब, कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि महिला अपराध को लेकर चुनाव में बीजेपी ने मुद्दा बनाया, लेकिन अब महिलाओं को कुचल के मारा। देखिए ये बात सही है कि कहां कौन सी घटना घटित हो जाए, घटना घटित होने के बाद अपराधी सिंकचों के पीछे जाए, सवाल इस बात का है। एक वो समय था जो थानागाजी के अंदर पति के सामने पत्नी का सामूहिक रेप और उसके बाद FIR दबा दी गई, 3 महीने बाद FIR, और एक जमाना है कुचल के मारी गया, बड़ी लोमहर्षक घटना हुई, परंतु 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी सलाखों के पीछे रहा। गोगामाड़ी उमेड़ी जी को सूट करने वाले 72 घंटों में सिंकचों के पीछे रहे। ये इसको कहते हैं अपराधियों को एक उनके मुकाम तक ले जाने के